तो लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट ब्राउनी बनकर तैयार है। और इसे हमने ऊपर से शुगर पाउडर से डस्ट किया है। और अगर आप इसे ओवन में बनाएंगे तो 160 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और माइक्रोवेव में अगर आप बनाएंगे तो इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। लेकिन चाहे आप माइक्रोवेव में बनाएं या ओवन में बनाएं, 5 मिनट प्रीहीट ज़रूर करें। स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सभी की फेवरेट, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को अच्छी लगती है ब्राउनी। तो आज हम बनाएंगे बिस्किट से ब्राउनी। तो इसके लिए हमने लिए हैं ये ओरियो बिस्किट और बॉर्बन बिस्किट। आप किसी एक तरह के भी बिस्किट से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मिक्सिंग थे तो मैंने ये दोनों ले लिए हैं। ये 20-22 बिस्किट हैं तो हमने ये लिए हैं। इनको हम पीसेस में तोड़ लेंगे और इनका हमें चूरा बनाना है। और इनको हम तोड़ने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे बिस्किट्स को तोड़ के और मिक्सी में इसका चूरा बना लेंगे। लेकिन मिक्सी में जब इसका हम चूरा बनाएंगे तो ग्राइंडर को एकदम से हमें चलाना नहीं है, एक बार प्रेस करना है हटाना है, एक बार प्रेस करना है हटाना है, ऐसे 2-3 बार करना है। क्योंकि इसके अंदर बटर होता है, अगर हम एकदम से इसको मिक्सी के जार को बटन को प्रेस करेंगे तो जो इसमें बटर होगा वो स्टिकी हो जाएगा और जो इसका आटा बनेगा, हमें भुरभुरा आटा चाहिए इसका, नहीं तो जो इसका चूरा बनेगा अगर स्टिकी हो गया तो वो अच्छा नहीं बनता है, उससे ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से पीसें। ये हमने सारे बिस्किट्स तोड़ लिए हैं और इनको हम पीस लेंगे। ये हमने बिस्किट का चूरा बनाकर तैयार कर लिया है और बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए ये बिस्किट, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमने तैयार कर लिया है, इसको हम अभी फिलहाल एक तरफ रख देंगे। इसके लिए हमें चाहिएगा 1 कप दूध और 2 बड़े चम्मच हमें चाहिएगी चॉकलेट। चॉकलेट को हम डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इसे बड़े बाउल में डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर लिया है। इस कोको पाउडर को हम इस चूरे में मिला देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और अब हम डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्टील का पतीला रखा है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और ये इसमें हमने बाउल इसके ऊपर रख दिया है। इस तरीके से हम डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इसको माइक्रोवेव में करते हैं तो 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में करें, सिंपल माइक्रोवेव पे 30 सेकंड के लिए चलाएं, उसके बाद बाउल को बाहर निकालें और चम्मच से अच्छे से मिक्स करें और फिर 30 सेकंड के लिए वापस से उसे मेल्ट करने रख दें। 2 बार मेल्ट करने पे अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इस चॉकलेट को मेल्ट होने में 3 से 4 मिनट ही लगेंगे।
और जो हमने पानी रखा है उसको हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि बॉईल आए अच्छा, और कटोरा ये वाला गर्म हो और जल्दी से चॉकलेट मेल्ट हो। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस बाउल को हम नीचे रख लेंगे अलग, और अच्छे से मिक्स करके मेल्ट करेंगे। जितना ये रह गया है नीचे मिक्स करने से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी अगर चॉकलेट में थोड़े बहुत लम्स रह जाएंगे या गुठली रह जाएगी तो आप अलग नीचे उतार लें उसको, और इस तरीके से चलाएंगे तो सारी गुठलियाँ मेल्ट हो जाएंगी अच्छे से। और इस तरीके से बिल्कुल चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और इसमें अब हम डालेंगे ये दूध, लेकिन आधा डालना है हमें अभी दूध को। और दूध हम जो ले रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर का है। इस तरीके से हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें अभी हमें आधा ही दूध डालना है, यानी 1 कप हमने दूध लिया था, अभी फिलहाल हम इसे आधा कप दूध डाल रहे हैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको हम एक साइड रख देंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हम ये बिस्किट का चूरा डाल देंगे, और इसमें हमने कोको पाउडर भी मिला लिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। अब ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट करी थी और उसके अंदर जो दूध मिक्स किया था, अब हम ये बिस्किट के पाउडर में मिला देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ी है तो अब हम इसमें जो बाकी बचा दूध था थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। जितना हम इसे मिक्स करते जाएंगे उतना ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। अभी हमने 2 बार इसमें दूध मिला चुके हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा दूध हमें और डालना है और फिर से इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ना तो बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली चाहिए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। जितना हम इसे मिलाते हैं ये चॉकलेट होने की वजह से ठीक होती चली जाती है, और जितना बाकी बचा दूध था वो भी हम सारा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। सारा दूध हम इसमें अच्छे से मिक्स कर चुके हैं और बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसमें, बिल्कुल अच्छा ग्लेस आया है और बहुत ही अच्छा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके का बैटर चाहिए, बहुत थिक नहीं है और बहुत थिन नहीं है। इसको अभी हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम टिन तैयार करते हैं। तो ये हमने टिन लिया है जिसमें हमें बेकिंग करनी है। इसमें हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, और अच्छे से चारों तरफ से इसको ग्रीस करेंगे
आप ऑयल की जगह बटर या घी भी लगा सकते हैं इसमें। बहुत अच्छे से हमें इसे ग्रीस करना है चारों तरफ से। और इसके बाद हम मैदा डाल के इसको डस्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसमें मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से डस्ट करेंगे। ऐसे ही हम इसके चारों किनारों पे भी चारों तरफ डस्टिंग करेंगे। ये हमने टिन को भी ग्रीस करके और डस्टिंग करके तैयार कर लिया है। इसको अभी हम एक साइड रख देते हैं और हम बिना ओवन के बेकिंग करेंगे, तो हम बर्तन को गैस पे रख के गरम कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसको नीचे नमक डाल लिया है। खाली बर्तन में कभी भी बेकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बर्तन जलना शुरू हो जाता है और काला हो जाता है। तो नमक या रेत कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैंने नीचे नमक की परत बिछा ली है, 1 इंच की या आधा इंच की आप परत बिछा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ये प्लेट रख दी है। अगर आपके पास इस तरीके की प्लेट नहीं है तो आप इस तरीके का स्टैंड भी रख सकते हैं, और प्लेन प्लेट जो घर में रहती है वो भी आप रख सकते हैं। तो स्पेशली ऐसी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम ढक देंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे प्री हीट करेंगे। तब तक हम टिन तैयार कर लेते हैं। इस बैटर को हमने 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने रखा था। अब ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है इनो फ्रूट सॉल्ट। ये हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। इसमें ना हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और ना बेकिंग सोडा और ना बटर, इनमें से हमने कोई चीज़ नहीं डाली है। और इसको हम बहुत ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, इस तरीके से मिक्स करना है। इसे हमें धीरे धीरे हल्के हाथ से मिलाना है, और जब ये फ्लफी होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे पोर करेंगे इस कंटेनर में जो हमने तैयार करके रखा था। हमने ये सारा बैटर इसमें डाल लिया है। इस तरीके से एक दो बार टैप करेंगे और इस टिन को हम बेक होने के लिए रखेंगे। हम अब ये बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट इसको प्री हीट हो चुकी है ये कढ़ाई। और अब हम इसमें इसे रख देंगे और तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बेक करना है हमें। लेकिन 25 मिनट हमें इसे मीडियम आंच पे बेक करना है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको बिल्कुल सेम आंच पे बेक करना है। लगभग 35 मिनट हो चुके हैं और ये ब्राउनी बनकर तैयार है। इसमें हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम खोलकर देख लेते हैं। चारों तरफ किनारे बिल्कुल छोड़ दिए हैं, इसका मतलब है ये ब्राउनी पककर बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे अभी हम ऐसे ही 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब ये ब्राउनी ठंडी हो चुकी है, इसे कम से कम हम 15 से 20 मिनट ठंडा करेंगे और उसके बाद ही हम मोल्ड से निकालेंगे। तो इसको अब हम चारों तरफ से इस तरीके से चाकू की सहायता से अलग कर लेंगे, ताकि अगर नीचे ये अगर चिपकी भी होगी तो निकल जाएगी इस तरीके से। और अब हम इसे प्लेट में डीमोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए परफेक्ट ब्राउनी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसके पीसेस करेंगे। अब ब्राउनी को हम स्क्वायर पीसेस में काटेंगे। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ब्राउनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट ब्राउनी बनकर तैयार है। और इसे हमने ऊपर से शुगर पाउडर से डस्ट किया है। और अगर आप इसे ओवन में बनाएंगे तो 160 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और माइक्रोवेव में अगर आप बनाएंगे तो इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। लेकिन चाहे आप माइक्रोवेव में बनाएं या ओवन में बनाएं, 5 मिनट प्रीहीट ज़रूर करें। और बहुत ही बढ़िया ब्राउनी बनकर तैयार होगी। तो इसे अपने बच्चों और परिवार के साथ एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।